A very good evening to everyone. Welcome to your channel, Your Legal Buddy. So today we will be studying chapter 20 of CRPC. It talks about trial of summons cases by magistrate. Now what are summons cases? Iski definition dekhenge to usme ye ho gaya, the cases that are not warrant cases are summons cases. But generally it is seen that offenses that have punishment up to 2 years unko summons cases ki tarah try kara jata hai. Theek hai? Those punishments, those offenses whose punishments are up to the imprisonment of 2 years, those offenses are tried under summons cases by the magistrates. ठीक है ना? तो पढ़ते हैं कि let us study how that particular trial is conducted. ठीक है ना? Now, section 251, chapter 20. When in a summons case the accused person appears or is brought before the magistrate. ठीक है, अपीयर्स मतलब ये हो गया कि वो खुद ही आ गया कोर्ट के सामने कि भाई साहब माय लॉर्ड आई हैव डन दिस पर्टिकुलर ऑफेंस. ठीक है, और इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट इज किसी ऑथराइज्ड पर्सनल हैज ब्रॉट दैट पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट. ठीक, व्हेन इन समन्स केस द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज अक्यूज्ड शैल बी स्टेटेड टू हिम. ठीक है, अब वो या तो खुद अपने आप आ गया या उसको कोई ऑथराइज्ड पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने लेके आए. तो जिस ऑफेंस में उसको लेके आए या खुद आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस पर्टिकुलर ऑफेंसेस आर टोल्ड टू हिम. ठीक, एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक. ठीक है, नाउ वो अब मजिस्ट्रेट के सामने आ गया ना, मजिस्ट्रेट विल आस्क हिम अ क्वेश्चन, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट. अगर वो कह देता आई प्लीड गिल्टी, ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है. अगर वो कहता है आई डोंट प्लीड गिल्टी, ठीक है, आई वांट अ ट्रायल, तो भी हमें आगे पढ़ेंगे क्या होता है. बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज. अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक चार्ज फ्रेम करा जाए उस अक्यूज्ड के ऊपर. ठीक है ना, नाउ 252 सेज इफ अक्यूज्ड सेज नो नो आई एम गिल्टी देन द मजिस्ट्रेट इज एट द डिस्क्रिशन दैट ही मे convict him. ठीक है, but it is not obligated, it is not necessary, जरूरी नहीं है magistrate कि उसने plead guilty करा तो उसको सजा सुना दी जाए, convict कर दिया जाए. ठीक, now section 253 says where a summons has been issued under section 206. अब जब and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate. अब समन भेजा गया है भाई साहब को, अक्यूज को समन्स भेजा गया है, उनसे कहा गया कि आप कोर्ट के सामने अपियर हो, बट ही डज नॉट वॉन्ट टू अपियर एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्लीड गिल्टी. ठीक है, वो घर में बैठे बैठे कहते थे अरे मजिस्ट्रेट छोटा सा ऑफेंस हुआ है तो आई प्लीड गिल्टी और जैसा आप सही समझे वो कर दीजिए. ठीक है, तो वॉट इज द मैनर बाय विच ही विल से दिस टू मजिस्ट्रेट. ही विल ट्रांसमिट टू मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर. बाय पोस्ट चिट्ठी करके पोस्ट कर देगा या बाय मैसेंजर किसी को भेजेगा कि जाइए आप वो मेरा मैसेज वहां लेके जाइए. अ लेटर कंटेनिंग हिज प्ली एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स. ठीक है, अब ऐसा हुआ जब समन्स भेजा जाता है तो उनको ये भेजा जाता है कि आपने दिस पर्टिकुलर ऑफेंस यू हैव कमिटेड एंड अकॉर्डिंग टू सच एंड सच एक्ट, सच आईपीसी हुआ, कोई भी ऑफेंस हुआ, आईपीसी हुआ, कोई भी स्टैट्यूट हुआ, सच एंड सच एक्ट में आपका ये पनिशमेंट है, देयरफॉर वी आर अवॉर्डिंग दिस पनिशमेंट टू यू. ठीक, इफ यू प्लीड गिल्टी then tell me, if you don't feel guilty then also tell me. जब उनको समन्स भेजा जाता है उनको एक दोषी करार करते हुए तो the accused has the option of staying back at home and saying कि जो पनिशमेंट आपने दिया है मुझे मंजूर है. ठीक है, जो भी आप समन्स में ऑफेंस जो भी आप पनिशमेंट मेरे को जनरली ऐसा होता है कि इसमें फाइन होता है पनिशमेंट. ठीक है, फाइन आप भेज रहे हो मैं आपको फाइन भरे दे रहा हूँ. ठीक है, नाउ द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्वेक्ट द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस. ठीक है, मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा नहीं तो मजिस्ट्रेट हैज द ऑप्शन कि वहां वहीं पे कन्वेक्ट कर दे उसको, जो फाइन वाइन पड़ा है वो तुरंत उससे ले लिया जाए. ऑन हिज प्री ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स. ठीक, एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय अक्यूज्ड शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स दैट फाइन. और वेयर अ प्लीडर ऑथराइज्ड बाय द अक्यूज्ड इन दिस बिहाफ प्लीड्स गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय प्लीडर एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड एंड. अब वो कह रहा है कि आप किसी वकील को भेज दीजिए कि ये बात आप कह दे या आप मैसेज या
मैसेज कर दीजिए कि आई प्लीड गिल्टी, ठीक है, मैसेंजर के थ्रू मैसेज आप भेज दीजिए, या आप पोस्ट लिख दीजिए कि आई प्लीड गिल्टी, दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव स्पेसिफाइड इन द समन्स, आई एम रेडी टू पे दैट अमाउंट, ठीक। लेकिन अब सेक्शन 254 से इसकी यहाँ पे तो कन्विक्शन की बात होगी, मजिस्ट्रेट ने इसके बाद कन्विक्ट कर दिया, ठीक। नाउ मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कोई केस आ गया वेयर ही इज नॉट एबल टू कन्विक्ट हिम, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड? इफ मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज, ठीक, अगर कन्विक्ट नहीं कराए कि उसको, द मजिस्ट्रेट सेट प्रोसीड टू हेयर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। फिर वही जैसे हम लोग ने वारंट ट्रायल पढ़ा था, प्रोसिक्यूशन से एविडेंस मांगा जाएगा, फिर डिफेंस से एविडेंस मांगा जाएगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर उसने मजिस्ट्रेट ने कहा है कि नो नो वी वॉन्ट टू हेयर टिल द ट्रायल एंड वी डोंट वॉन्ट टू कन्विक्ट यू एट दिस वेरी मोमेंट, तो यहाँ पे भाई प्रोसिक्यूटर से एविडेंस मंगाए जाएंगे, ठीक। जब एविडेंस मंगा लिए गए तो उन्होंने देखा कि दीज पर्टिकुलर पर्सन कैन बी अ फिटनेस, तो उन विटनेस को समन्स भेजा जाएगा, यही 254 में क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ विटनेस अकर्ड इन द पर्पस ऑफ ट्रायल शैल बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। अब वो कह रहा है कि उसको बुलाने, विटनेस को बुलाने का जो खर्चा हुआ, ठीक है, समन भेजा जाएगा, चिट्ठी चिट्ठी भेजी जाएगी, उसमें जो खर्चा हुआ, व्हाटएवर द एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, जनरली इट इज डिपॉजिटेड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ को डिपॉजिट करना पड़ता है वो, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग ने प्रोसिक्यूशन के डिफेंस ले लिए और सबके डिफेंस ले लिए, प्रोसिक्यूशन के विटनेस देख लिए, ठीक है। इफ मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग एविडेंस रेफर्ड इन 254 में सिर्फ प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को देखा गया है, ठीक है, इसको मार्क करिए, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को देखा गया है और एनी सच फर्दर ऑफेंस इफ एनी ही मे बी ऑफ हिज ओन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड फाइंड द अक्यूज गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ एक्विटल। अब प्रोसिक्यूशन के बाद सुनने के बाद उसने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स देखे, तो इसके बाद वो यहाँ पे अक्यूज को गिल्टी प्रूफ कर सकते, सजा सुना सकता है, ठीक है, या सजा नहीं हुई तो एक्विटल सुना सकता है, ठीक। When the magistrate does not proceed in accordance to section 325 or 360, he shall, if he finds the sentence is, अब वो कह रहा है 325, 360 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस प्रोवाइड करना है, 355, 360 हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक ना, ये सब पॉइंट हो गए। नाउ 256 कहता है नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट करी उस वो या तो आ नहीं रहा है या तो डेथ हो गई, उस केस में क्या होगा? इफ समन्स हैज बीन इशूड ऑन द कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू व्हिच हियरिंग मे बी एडजॉर्न्ड द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर द मजिस्ट्रेट शैल एक्विट। अब वो कह रहा है कि अगर जिसने जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट करी है ही इज नॉट ऑन टाइम इन हियरिंग द क्या कहते हैं हियरिंग द कोर्ट फीस कोर्ट मेथड्स, ठीक है, जैसे भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, प्लेंटिव इज नॉट अपीयरिंग, देन दिस इज अ वैलिड ग्राउंड दैट द अक्यूज्ड बी एक्विटेड, द वर्ड हेयर इज एक्विटेड नॉट डिस्चार्ज, एक्विट कर दिया जाएगा अगर प्लेंटिव केस को अटेंड नहीं करता है तो, ठीक है। Provided that where the complaint is represented by a pleader or by an officer conducting the prosecution or magistrate is of opinion that the personal attendance is not necessary. अब उसको लग रहा है कि भाई मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आप उसको बुलाएं, ठीक है ना, कोर्ट में। 257 talks about withdrawal of complaint. Withdrawal मतलब हो गया है कि वापस लेना, ठीक है। If a complainant at any time before the final order is passed in any court under this chapter satisfy the magistrate that there is a sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there may be more than one accused or all of them, the magistrate may permit him to withdraw the case and same shall be acquitted against. अब वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे ट्रायल खत्म होने के पहले पहले जो भी कंप्लेनेंट है वो कह सकता है कि केस वापस ले लिए, तो केस कैन बी वापस कैन बी टेकन बैक लाइक दिस, ठीक। नाउ 259 इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केस इनटू वारंट केस, पढ़ लेते हैं। व्हेन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ अ समन्स रिलेटिंग टू अ ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट ऑफ टर्म एक्सीडिंग 6 months, ठीक है, व्हेन द कोर्स ऑफ a trial of a summons case relating to offence punishable with imprisonment with
it appears to the magistrate that in the interest of justice, the offence should be tried according to procedure of trial of warrant case. Such magistrate shall proceed to rehear the case in matter provided by CRPC for the trial of warrant case and may be recalled any witness who may have examined. ठीक है, ये भी 259 ज़्यादा important था नहीं? ठीक है, कल से हम लोग summary trial पढ़ेंगे. ये summons था, summary trial दोनों चीज़ें होती हैं. Summary trial पढ़ेंगे, थोड़ा सा technical है, लेकिन easy है. ठीक है, thank you for watching.